हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मीटर एंड स्कैंसन इन पोइट्री एज पर योर रिक्वेस्ट जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर स्कैंसन पढ़ाइए तो आज मैं शुरू करने वाला हूं। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर और स्कैंसन क्या होता है और हम लोग कैसे स्कैंसन करते हैं जैसा कि आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक स्टैंडा होगा और उस स्टैंजा में चार लाइन्स होंगे और उसको स्कैन करना होता है तो पोइट्री जो है बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है अगर आप पोइट्री समझ जाते हैं तो रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो टेक्निकल चीज़ है मीटर एंड स्कैनसन इन पोइट्री हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं फिर ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइट आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री में पहला चीज जो होता है उसको कहते हैं मीटर दूसरा राइम्स तीसरा है मीटर द ऑर्डर्ड रिदम फ्रॉम रेगुलेटेड अल्टरेशन ऑफ सिलेबल्स यह क्या होता है मीटर एक रिदम होता है ऑर्डर्ड रिदम होता है जो कि रेगुलेटेड होता है एक अल्टरेशन ऑफ सिलेबल से अब सिलेबल्स क्या है उसको हम लोग जानते हैं सिलेबल्स जो होते हैं और पार्ट ऑफ अ वर्ड या एक शब्द होता है या एक शब्द का भाग होता है वन साउंड साउंड तो एक हम लोग इसमें देखते हैं यानी कि स्वर वर्ण का एक उच्चारण यहां पे दिखाई पड़ेगा ठीक है नंबर ऑफ टाइम्स वी प्रोनाउंस अ सिलेबल इज साउंड ऑफ अ वॉल एट वन टाइम तो अगर किसी वर्ड में कितनी बार हम वावल को साउंड करते हैं कितनी बार उसका उच्चारण करते हैं वही एक सिलेबल कहलाता है हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अगला है फूट फूट क्या है पोइट्री में आप जब पोम पढ़ेंगे तो उसमें टू सिलेबल्स जो होते हैं वो मिलकर एक फूट बनाते हैं ठीक है तो आइए हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ये सारी चीजें होती हैं सबसे पहला है देखिए सेलेबल्स में यानी कि हम लोग एक वॉल साउंड को लेंगे जैसे गॉड एक वर्ड है हमारे साथ जिसमें ओ का उच्चारण होता है गॉ राइट गॉड ये वन सेलेबल है यानी एक वावल साउंड इसमें है दूसरा है रॉड इसमें भी ओ का साउंड आ रहा है वावल साउंड है तो ये वन सेलेबल है डॉक थर यहां पर टू सिलेबल्स आ रहे हैं क्योंकि एक बार ओ और अ दो बार उच्चारण कर रहे हैं इसमें टू सिलेबल्स हैं सिस्टर ठीक है यहां पे टू सिलेबल्स हैं गार्डन यहां पे टू सिलेबल्स हैं इंपॉर्टेंट इसमें थ्री सिलेबल्स हैं पॉसिबल इसमें भी थ्री सिलेबल्स हैं इम्पॉसिबल इसमें फोर सिलेबल्स हैं तो आप सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सिलेबल्स को तोड़ते हैं यानी एक बॉबल साउंड पर एक सिलेबल होगा दूसरे वॉबल साउंड पे दूसरा तीसरे पे तीसरा इस तरीके से हम लोग वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तोड़ते हैं तो हम सिलेबल्स को अलग अलग भाग में बांट कर देखते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं गॉड रॉड डॉक्टर सिस्टर गार्डन इम्पॉर्टेंट इम्पॉसिबल पॉसिबल तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें सिलेबस आप समझ सकते हैं राइट right? आइए हम लोग देखते हैं आगे फूड क्या है जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि फूड जो है दो सिलेबल्स मिलकर एक फूट बनाते हैं लाइक डॉक टर्ड इसमें दो सिलेबल्स हैं तो ये मिलाकर वन फूट हुआ इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में टू फीट है क्योंकि इसमें चार सिलेबल्स हैं इंट्रो दो सिलेबल्स डक्शन दो सिलेबल्स दो दो चार तो चार सिलेबल्स मिलकर कितने हो गए टू फीट राइट मीटर अब आप मीटर को समझेंगे अगर कोई लाइन वन फुट का है यानी दो सिलेबल्स का है तो उसे हम लोग मोनोमीटर कहेंगे अगर टू फीट का होगा तो इसे डायमीटर कहेंगे थ्री फीट का होगा यानी ट्राई कहेंगे फोर फीट का होगा तो इसे टेट्रा कहते हैं फाइव फीट पेंटामीटर कहलाता है सिक्स फीट हेक्सामीटर कहलाता है सेवन फीट हेप्टामीटर कहलाता है एट फीट ऑक्टामीटर कहलाता है अब आप समझ सकते हैं कि वन फुट में कितने सिलेबल्स होंगे दो टू फुट में चार थ्री फीट में तो इस तरीके से चार में आठ फाइव में दस दस सिलेबल्स मिलेंगे सिक्स फीट में बारह सिलेबल्स से होंगे सेवन फीट में चौदह सिलेबल्स होंगे और एट फीट में सोलह सिलेबल्स होंगे राइट तो चूंकि इसको अगर हम आधा कर दें यानी दो सिलेबस को मिलाकर एक फीट मानते हैं हम लोग एक फुट मानते हैं राइट right? अब हम लोग समझते हैं जब हम लोग स्कैन करेंगे पोएम को और स्टैंडजा को तो उसमें दो चीजें हम लोगों को दिखाना होता है कहां जोर पड़ रहा है और कहां जोर नहीं पड़ रहा है यानी स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस ठीक है आप स्ट्रेस को इक्टिस कहते हैं और अनस्ट्रेस्ड को हम लोग ब्रीव कहते हैं इसका दूसरा नाम आप एक्सेंट एंड पॉज भी कह सकते हैं स्ट्रेस्ड को हम लोग एक्सेंट कह सकते हैं और अनस्ट्रेस्ड को हम लोग पॉज भी कह सकते हैं ठीक है ऐसे इनका नाम एक एंड ब्रीव होता है राइट वेरी गुड आई होप यू अंडरस्टैंड नेम्स ऑफ मीटर्स ऑफ टू सिलेबल्स फीट दो तरह के सिलेबल्स वाले फीट होते हैं एक होता है जिसमें टू सिलेबल्स होते हैं और एक थ्री सिलेबल्स के होते हैं तो सबसे पहले हम लोग टू सिलेबल्स फीट जानते हैं अगर पहला अनस्ट्रेस्ड हो और स्ट्रेस्ड हो बाद वाला तो उसे हम लोग आय कहते हैं पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड इसे ट्रॉकी कहेंगे दोनों अगर स्ट्रेस्ड होगा तो स्पॉन्डी कहलाएगा और अगर दोनों अनस्ट्रेस्ड होगा तो इसे हम लोग पीड़िक कहते हैं राइट ये चार प्रकार के हमारे टू सिलेबल्स फीट होते हैं इसे आप बढ़िया से याद कर लेंगे राइट और ये जो एक्सेंट आप रेड कलर में देख रहे हैं इसको ध्यान में रखना है तो आप इसे आसानी से यूज भी कर पाएंगे और पहचान पाएंगे स्टैंडा में कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं आइए हम लोग देखते हैं आयम्बिक फूट कैसा होता है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड यहाँ पहला जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा जो होगा स्ट्रेस्ड होगा अगर ये पैटर्न किसी स्टैंड के लाइन में है तो ये आई एम्बिक कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई वॉन्ट लोनली एज अ क्लाउड। यहां आई के ऊपर पॉज है वैन के ऊपर स्ट्रेस है डर्ड अनस्ट्रेस्ड लो लोन में स्ट्रेस्ड है ली हम लोग पॉज ले रहे हैं इसमें एज स्ट्रेस्ड है पॉज है क्लाउड यहां स्ट्रेस्ट है तो हम लोग कहेंगे दिस लाइन इज एन आई एम बिक टेट्रामीटर चूंकि एक दो तीन चार ये आठ सिलेबल्स का है तो ये चार फीट का हुआ तो ये टेट्रामीटर कहलाएगा और इसका पैटर्न आई है इसलिए हम कहेंगे दिस लाइन इज एन आई टेट्रामीटर आई होप यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इफ कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इसमें आप देख सकते हैं कि इफ में पॉज है विन में स्ट्रेस्ड है टर में अनस्ट्रेस्ड है कम्स में स्ट्रेस्ड है इस तरीके से ये जो पैटर्न है इसमें हम देख सकते हैं इफ विंट कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड तो जहां जहां हमने स्ट्रेस दिया है वहां पे स्ट्रेस का साइन देना है और जहां जहां पॉज है या अनस्ट्रेस्ड है वहां पे पॉज का साइन है तो आप देख सकते हैं इसमें दो दो सिलेबल्स करके बनाए हुए हैं और इसमें दस सिलेबल्स हैं और ये कुल मिलाकर पाँच फीट का लाइन है तो इसे हम कहेंगे दिस लाइन इज एन आएम्बिक पेंटामीटर राइट आई होप यू अंडरस्टैंड दूसरा जो फूट होता है उसे हम ट्रॉकिक फूट कहते हैं जिसमें स्ट्रेस्ट फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड पहला जो होगा पैटर्न वो क्या होगा पहले स्ट्रेस होगा बाद में अनस्ट्रेस्ड होगा फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हाई स्टिल एंड हाई हाई में आई के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है अर में हम लोग पॉज ले रहे हैं स्टिल में आई में फिर से स्ट्रेस्ड है एंड में हम लोग पॉज ले रहे हैं फिर हाई में हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं और फिर अर जो है हमारा पॉज है तो हाई स्टिल एंड हाई दिस इज द पैटर्न तो ये चूंकि तीन फीट का है ये जो कि छह सिलेबल्स हैं, इसलिए कहेंगे दिस इस लाइन इज अ ट्रॉकिक ट्राइमीटर क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो ट्रॉकिक का है इसलिए इसको लो इस इस हम लोग कहेंगे दिस लाइन इज अ ट्राइमीटर, राइट अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक, जैसे देखते हैं डबो डबोलो तो यहां पर डबल में कहां पड़ रहा है ओ के ऊपर बल में पॉज हो रहा है डबल में फिर से आ रहा है वैसे ही तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये पैटर्न फॉलो हो रहा है पहले हम लोग देख रहे इस लाइन में चार फीट है यानी आठ सिलेबल्स का यह लाइन है इसलिए कहलाएगा टेट्रामीटर नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा है वो है स्पॉन्डी या स्पॉन्डी फूट जिसे हम देखते हैं इसका पैटर्न होता है स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड यानी दोनों ही स्ट्रेस्ड होगा ये चूंकि बहुत बोरिंग हो जाता है तो इस तरीके के हम लोग पोएम बहुत कम देखते हैं लेकिन यह किसी न किसी पैटर्न के साथ देखने को मिलता है इसलिए इसका यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ देख सकते हैं एक लाइन है ब्लो ब्लव दिन विंट। तो आप देख सकते हैं कि ब्लो और ब्लो के ऊपर स्ट्रेस है और ये जो पैटर्न दिख रहा है यह एक क्या दिखा रहा है स्पॉन्डी है और यह एक पैटर्न है और विंटर वेन जो है यह आयंबिक है तो कहेंगे इन दिस लाइन इट्स अ ट्राइमीटर द फर्स्ट फूट इज स्पॉन्डी एंड सेकेंड एंड थर्ड फूट आर आयंबिक तो आप समझ सकते हैं जो फर्स्ट दोनों सेलेबल्स हैं उसमें आप स्ट्रेस्ट देख रहे हैं दोनों ठीक है तो अगर ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो उसे हम लोग स्पॉन्डियक फूट कहते हैं राइट right? नेक्स्ट है पेरिक फूड जिसमें दोनों ही अनस्ट्रेस्ड होता है ठीक है तो ये भी जल्दी देखने को नहीं मिलता है तो लाइक स्पॉन्डी अ पेरिक इज ऑल्सो मिक्स्ड विद सम अदर फूड पैटर्न ये भी दूसरे फूड पैटर्न के साथ दिखाई पड़ता है इन द फॉलोइंग लाइन इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ आएम्बिक पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं कि एक आयिक पैटर्न के साथ दिखाई पड़ रहा है लाइक आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो ऐप्टु डाई तो यहां देख रहे हैं कि ये जो है कहाँ कहाँ पॉज है कहाँ कहाँ स्ट्रेस है कहाँ कहाँ दिया गया है ये आप समझ सकते हैं इसको तो आय और शैल ये दोनों दिखाई जो पड़ रहा है ये जो है वो प्यूरिक है फर्स्ट फूट इज प्यूरिक और बाकी जो है आप आई एम्बिक देख रहे हैं तो ये टोटल जो है वन टू तो थ्री फोर फाइव यानी फाइव फीट का है तो इसको हम कहेंगे द फर्स्ट फूट इज प्यूरिक एंड रेस्ट ऑफ दीट आर आय तो इस तरीके से आप पेरिक को भी समझ सकते हैं पेरिक क्या होता है अनस्ट्रेस्ट अनस्ट्रेस्ट तो यह भी किसी के साथ मिक्सड आपको देखने को मिलेगा एक इनकंप्लीट फूड को आप समझे जिसको हम लोग कैटेलेक्टिक फूड भी कहते हैं जैसे जब आप लेबस में बांट रहे होते हैं अगर कोई ऐसा सिलेबल है जो अकेला बच जाता है और अगर वो स्ट्रेस्ड होगा यानी इट इज अ लाइन इन विच द लास्ट फूड कंटेंट्स वन एक्सेंटेड सिलेबल अलोन अगर अकेला बच जाता है और लास्ट का जो सिलेबल है एक्सेंटेड होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कैटालेक्टिक फूड आपको लाइक नाउ द सन इज लेड टू स्लीप तो आप देख सकते हैं कि नाउ के ऊपर एक्सेंट है फिर पॉज है फिर एक्सेंट है फिर पॉज है ठीक है तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो स्लीप हमारा जो सिलेबल है उस सिलेबल में स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है तो इसलिए हम कहेंगे कि स्लीप जो है वो एक कैटलेक्स है और कहेंगे दिस लाइन इज ट्रॉकिक तो इस तरीके से हम लोग इनकम्प्लीट फूट को समझेंगे ठीक है जिसको हम लोग कैटेलेक्टिक फूट भी कहते हैं राइट आई होप यू अंडरस्टैंड अब हम लोग देखेंगे ट्राई फीट पहले हम लोग देख रहे थे कि अगर दो दो सिलेबल्स वाले जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं अब लोग ट्राई सेलेबिक फीट देखते हैं जिसमें तीन तीन सिलेबल्स हम लोग मिलाकर एक फीट बनाते हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राई सेलेबिक feet. पहले हम लोग देख चुके हैं कि दो दो सिलेबल्स को मिलाकर एक फुट बना रहे थे अब यहां पर तीन सिलेबल मिलकर एक फुट बनाएंगे तो इसमें तीन जो होंगे सिलेबल्स और आप देख सकते हैं कि इसमें ट्राइसेलेबिक फीट इसको कहा जाता है तो तीन तीन आपको पैटर्न दिखाई पड़ेंगे राइट तो इसमें तीन प्रकार होते हैं देर आर थ्री काइंस द एना पेस्टिक फूट जिसमें दो अनस्ट्रेस्ड और लास्ट का स्ट्रेस्ड होगा दूसरा द दे डेक्टेलिक फूट जिसमें फर्स्ट स्ट्रेस्ड होता है और बाद दोनों जो होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे और लास्ट है द द्रैक फूट जो कि फर्स्ट अनएक्सेंटेड, सेकेंड एक्सेंटेड एंड थर्ड अनएक्सेंटेड यानी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, ठीक है तो इस तरीके से ट्राइसेलिविक फीट का पैटर्न होता है आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एनापेस्ट का एग्जांपल हम लोग लेते हैं एंड द श्रीन Of द spears was like stars on the sea. तो यह एक पैटर्न है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह पैटर्न फॉलो किया गया है तो यह एनापेस्ट कहलाएगा. डिक्टाइल का एक एग्जाम्पल देखते हैं ठेखरप टेंडरली तो यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रेस्ड है और दोनों अनस्ट्रेस्ड है फर्स्ट स्ट्रेस्ड है दोनों अनस्ट्रेस्ड है तो ये डिक्टाइल का पैटर्न है नाउ वी नी है इसमें क्या है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ये इसका पैटर्न फॉलो होगा फॉर एग्जाम्पल ओ हश दी माई बेबी अ नाइट तो आप देख सकते हैं यहां पे सेकेंड फीट में थर्ड फीट में इसको फॉलो किया गया है तो ये कहलाएगा एम फी राइट आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके एग्जाम में आपको लिखना कैसे है ये समझ लें हाउ टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैंशन स्कैंशन का डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखेंगे इसे समझ लें मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है स्टैंडा एक, एक पोम का तो आप देखें नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स She neither hears nor sees. Rolls round in earth's diurnal course with rocks and stone and trees. तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिक फूड जो है इसका आएम्बिक दिखाई पड़ रहा है यानी पहला अनस्ट्रेस्ड है फिर स्ट्रेस्ड है तो फर्स्ट लाइन के बारे में हम कहेंगे द फर्स्ट लाइन इज आय्बिक टे ट्रमीटर सेकेंड लाइन आय ट्रीमीटर थर्ड लाइन जो है उसमें स्पॉन्डी दिख रहा है क्योंकि दोनों जो सिलेबल्स हैं वो एक्सेंटेड हैं तो ये स्पॉन्डी कहलाएगा बाद में जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ है वो आयंबिक फीट है एंड लास्ट जो है वो आयंबिक है और ये ट्राइमीटर है तो आयंबिक ट्राइमीटर है तो बेसिक फुट आयंबिक लिखेंगे मीटर टेट्रामीटर एंड थ्रीमीटर थर्ड लाइन फर्स्ट फुट स्पॉन्टिक तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एग्जाम एग्जाम में एंड आप अच्छा मार्क्स लाएं आई होप सो तो आप कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सिंस इट कम्स फॉर टेन मार्क्स चूंकि ये दस मार्क्स का आता है तो आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स i hope that you understand it well if you have any confusion write in the comment box i'll help you out and if you are new to the channel subscribe it like it and share it thanks a lot have a good day